ये दृश्य नरवाना कस्बे के नए बस स्टैंड का है, जहां हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा 3 जेब कतरों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। कर्मचारियों का कहना है कि तीनों युवक एक महिला का बैग छीनकर बस स्टैंड परिसर से बाहर भाग रहे थे, तो कर्मचारियों ने उनके पीछे दौड़कर तीनों को दबोच लिया और इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और अन्य किसी घटना या वारदात में शामिल ना हो इसकी भी गहनता से पूछताछ की जाएगी। वहीं हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों का कहना है कि आए दिन नरवाना कस्बे के नए बस स्टैंड पर महिलाओं व लोगों के बैगों से चोरी होने की घटनाएँ सामने आ रही थी। कई मुकदमे भी पुलिस ने दर्ज किए, लेकिन अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी, जिसके चलते यहां के कर्मचारी भी सतर्क हो गए थे, क्योंकि इसका शिकार कोई भी हो सकता है। और इसी सतर्कता के चलते मंगलवार को बड़ी कामयाबी हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने हासिल की है। 3 जेब कतरों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि ये जेब कतरे नरवाना के नए बस स्टैंड पर बसों में सवार होकर महिलाओं का पीछा करते और उनके बैगों से चोरी करते और पुराना बस स्टैंड पर उतर जाते। इसके अलावा पुराना बस स्टैंड से नरवाना के नए बस स्टैंड तक भी ये घटना को अंजाम दे देते थे, लेकिन अब 3 युवकों को कर्मचारियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। कहीं ना कहीं इस मामले में वह इस प्रकार की घटनाओं में कमी आएगी। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि अगर पुलिस इस प्रकार की सक्रियता दिखाती है तो इस प्रकार के जेब कतरों को तुरंत पकड़ा जा सकता है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी, पूछताछ की जाए थी, अन्य घटनाओं में शामिल थे नहीं थे इसकी गहनता से पूछताछ होगी। फिलहाल नरवाना कस्बे के नए बस स्टैंड पर पुलिस पहुंची है, तीनों युवकों को कार में बैठा लिया है, थाने में ले जाया जाएगा, इसके बाद गहनता से पूछताछ की जाएगी। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार घट रही घटनाओं के चलते कर्मचारियों को खुद ही मोर्चा संभालना पड़ा और 3 आरोपियों को पकड़कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बता दें कि न्यूज़लैंड नरवाना के माध्यम से इससे पहले भी आपको कई खबरें दिखाई गई जिसमें चोरी की घटनाओं का जिक्र किया जाता था और ये चोरियाँ महिलाओं लगभग अधिकतर महिलाओं के बैगों से ही की जाती थी, क्योंकि महिलाएं अपने बैग भारी भरकम रखती हैं, उसे भरकर रखती हैं। सोने चांदी के आभूषण भी महिलाएं पहनती हैं अपने गले से, तो वो आभूषणों को निकाल देती हैं और अपने बैगों में रख लेती हैं, जिसके चलते इस प्रकार के युवक अपनी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। और पुलिस तीनों को लेकर थाने में पहुँच गई है।